हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यार, फाइनल अपने जो वीवो Y20 डिवाइस है उसके अंदर न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अतो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि उस अपडेट के अंदर आप लोगों को क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। साथ में आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि इस अपडेट को आप लोगों को करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि गाइस इस अपडेट के अंदर जो बैटरी इश्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसलिए मैं आप लोगों को इसमें गाइड करूँगा किस तरह से आप लोगों को इसको अपडेट करना है और किन किन लोगों को ये अपडेट है वो नहीं करना है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर चलना है। मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद में आप लोगों को नीचे साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का। जी हाँ गाइस, आप लोगों ने यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप लोगों का जो न्यू वर्जन है वो कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाई दे जाएगा। आप लोगों क्या करना है, नेट को ऑन करना है। ऑन करते हैं आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे 8.70.27 कुछ इस तरह का अपडेट है, जो कि इसकी MB साइज आप लोग देख सकते हो 717 MB, इतना ज़्यादा यहाँ पर लार्जेस्ट आया है। तो आप लोगों क्या करना है गाइस, इस अपडेट को सोच समझ के करना है, क्योंकि इसमें बैटरी इशू हो सकता है आप लोगों के डिवाइस के अंदर। और मैं इस अपडेट को टेस्ट भी करूंगा क्या यहाँ पर जो अपडेट करने के बाद में बैटरी इशू आ रहा है या फिर नहीं। तो गाइज, आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ पहले इसके अंदर क्या कुछ नया देखने को मिला है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, अपडेट टू द July 2023 गूगल सिक्योरिटी पैच टू इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी, नेक्स्ट ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम स्टेबिलिटी फॉर ए बेटर यूजर एक्सपीरियंस, एंड लास्टली देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्टिमाइज्ड द कंपेटिबिलिटी बिटवीन द फोन एंड सम ब्लूटूथ डिवाइस। बताया गया है कि इसके अंदर आप लोगों की जो सिस्टम की सिक्योरिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया गया है। जो सिक्योरिटी वाले अपडेट होते हैं उनको आप लोग ज़रूर से अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कीजिएगा। जब भी अपडेट आता है तो आप इनको ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है इन अपडेट्स के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि इसके कारण आप लोगों का यूज़र एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड लास्ट यहाँ पर बताया गया है कि जब भी हम अपने मोबाइल फ़ोन को किसी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। जैसे यहाँ पर मेरे पास दो ब्लूटूथ डिवाइस हैं, एक मेरे पास नेक बैंड है और दूसरा मेरे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर है। तो जब मैं दोनों को कनेक्ट करता हूँ, फिर एक दूसरे को मैं ऑफ़ करता हूँ ना, तो वहाँ पर गाइस दोनों में कनेक्ट होने में प्रॉब्लम करता है। फिर मेरे को मैन्युअली वहाँ पर जा कर के क्लिक करना पड़ता है, तब जाकर वो एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसने बताया गया है कि यहाँ पर यह सही हो जाएगा। तो देखेंगे कि यहाँ पर सही होता है या फिर नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर नीचे की साइड में देख सकते हैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल का बटन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सिंपली इस पे ऊपर क्लिक कर देंगे और 717 MB यूज़ होगा आप लोगों के डेटा से, और यहाँ पर यह अपडेट है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस जब भी अपडेट होगा तो आप लोगों क्या करना है गाइस, यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन के जो बटन होते हैं उनको आप लोगों को प्रेस नहीं करना है। जब इंस्टॉलिंग प्रोसेस होगी उस टाइम पर ब्लैक स्क्रीन होगी तो आप लोगों के किसी बटन को प्रेस नहीं करना है जब तक आप लोगों की वाइट स्क्रीन नहीं हो जाती और आप लोगों से आपका मोबाइल फ़ोन है वो पासपोर्ट नहीं मांगे, तब तक आप लोगों के किसी बटन को प्रेस नहीं करना है। चलिए गाइस, यहाँ पे मैं फटाफट से इस अपडेट को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करता हूँ। मैं आज के इस वीडियो में इतना है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं होते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।